आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड प्रदेश की गंगा नगरी हरिद्वार की पवित्र पुण्यधरा पर गुरु आत्म गुजरने वाला स्मारक की प्रतिष्ठा पंजाब केसरी जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब समुदाय वडील तब चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहेब आदि मुनिवृंद तथा शासन रत्न साध्वी प्रगुनाथ श्री जी महाराज साहेब आदि साध्वी वृंद की पावन निष्ठा में 8 और 9 मार्च को बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। इस प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन प्रसंग पर उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पधारे। उनके साथ साथ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, सांसद भगत कौशरी, विधानसभा के स्पीकर और विधायक भी इस अवसर पर उपस्थित हुए। जैन जगत के जाज्वल्यमान सूर्य तपागच्छ गगन दिनमणि जंगम युग प्रधान न्यायाम्भो निधि पंजाब देशोधारक परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजयानंद सुरजी महाराज साहेब प्रसिद्ध नाम श्री आत्माराम जी महाराज साहेब जिनका जन्म लहरा पंजाब में हुआ था और जिनका देवलोक गमन गुजरांवाला की पवित्र धरती पर हुआ था। आज गुरुदेव को इस संसार से विदा हुए 123 वर्ष हो चुके हैं और उनके अनंत उपकारों से इस सृष्टि का कण कण और संपूर्ण जैन शासन अनंत काल तक ऋणी रहेगा। गुरुदेव के देवलोक गमन की भूमि गुजरांवाला में एक भव्य दिव्य समाधि मंदिर का निर्माण उस समय पंजाब केसरी गुरु वल्लभ की प्रेरणा से हुआ था, लेकिन भारत विभाजन के समय वह समाधि पाकिस्तान में रह गई और हम सभी उस समाधि के दर्शन से वंचित हो गए। लेकिन आज हमारा परम सौभाग्य है कि भारत की भूमि पर और इस हरिद्वार की पवित्र धरती पर जहाँ पर गंगा बहती है, ऐसी हरिद्वार की पवित्र धरती पर वैसा ही हूबहू गुजरांवाला गुरु आत्म समाधि का प्रतिरूप ये भव्य दिव्य कलात्मक गुरु आत्म गुजरांवाला स्मारक का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है, जिसका निर्माण का संपूर्ण लाभ हमारे लुधियाना निवासी परम गुरुभक्त परम उदारमना श्रेष्ठी वर्य श्रीमती पारमेश्वरी देवी हंस राज्य के सुपुत्र लाला रोशनलाल जी, मातु श्रीमती नगीना देवी उन्होंने करवाया और अपने माता पिता के स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारे रोशनलाल जी के सुपुत्र हमारे सुधीर भैया, श्रेणिक भैया और पूरे परिवार ने तन मन धन से योगदान दे करके यह एक विश्व का अजायबी स्मारक निर्माण करवाया है। गुरु की याद में, गुरु की स्मृति में हमें गर्व है कि आज हमारे गुरु का जिन शासन की विभूति का एक ऐसा अमर स्मारक यहाँ पर बना है जिसके दर्शन करके आने वाला व्यक्ति भी धन्य धन्य बन जाएगा और इस हरिद्वार की धरती पर गंगा के साथ में गुरु गंगा का भी जो पावनता का संगम हुआ है उसके लिए हम खानगा डोगरा परिवार लुधियाना वालों के हम सकल संघ चतुर्विध संघ उनकी इस गुरु भक्ति के आदर्श की अनुमोदना करते हैं। बोले श्रीमद विजयानंद सूरी महाराज की। हरिद्वार से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। पशुपालन और ठेका का दर्जा चार मुलाजमों की ओर से पंजाब प्रधान दलविंदर सिंह सोनू की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग लुधियाना में बुलाएगी। वहीं पर प्रधान दलविंदर सिंह ने बताया कि कैप्टन सरकार ने विधानसभा इलेक्शनों से पहले ठेका मुलाजमों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि सरकार के बनते ही आप सभी को रेगुलर किया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। असं चाहते हाँ भी जी हूँ साडा कॉन्ट्रैक्ट आ जिहड़ा मार्च के एक्सपायर हो रहा है, नवा जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे विच सानू सरकार डीसी रेट दे। जे सरकार साढ़े डीसी रेट नहीं दे सकती तो सानू साड़ी तनखाह दे बिचो 4000 चो सानू 3500 रुपये साड़ी तनखाह कर दे, 500 रुपये असी सरकार नू दिने भी अपने इलैक्शन फंड च वरत लवे
जिथे मर्जी वरत ले पर सानू रेगुलर कर दे। ठीक है, जिहड़ा सरकार ने साडा 500 रुपए वधाया उहदा असीं मुकम्मल वाई कट करदे हां जी। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਵੈਟਨਰੀ ਦਰਜਾ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਵੈਟਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ 4000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗੀ ਕੁੱਲ, ਉਹਦੇ 4000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। लुधियाना से कैमरामैन गोडी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से अरुण भट्टी की अगुवाई में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें विशेष तौर पर यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा मौजूद रहे। इस दौरान अरुण भट्टी ने यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा ने राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के नव बने मेंबरों की नियुक्ति भी की। इस मीटिंग के दौरान अरुण भट्टी ने बताया कि नगर निगम के 70% को खत्म कर सीधे तौर पर डीसी रेट पर सफाई कर्मचारी को हरियाणा और दिल्ली की तर्ज मुताबिक 1,29,000 की तनख्वाह पर रखा गया है। और वहीं पर यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा जी के कल होने वाले ऐतिहासिक रैली में राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोग आए और इस रैली को बढ़ चढ़कर मजबूत बनाया। पंजाब सरकार ने 1992 पक्के किए कर्मचारी, उस तो बाद साढ़े 2012 के कुछ मुलाजिम पक्के किए गए तो सिवर मैन जो अज तक पक्का नहीं किया गया, तो 6500 के साढ़े तो गंद कूड़ा चुकाया जा रहा वा साढ़े समाज के, असी हरियाणा और दिल्ली की तरस के उत्ते असी इन्हों 12,900 रुपये कच्चे मुलाजिमों जी पे है वह दवाण के वचनबद्ध है। साढ़े लोगों को ना असी अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना ही अच्छे असी अपने बच्चे की उच्च शिक्षा दवा सकते हैं, इतों तक कि सैलरी सर्टिफिकेट भी देने कलर्क साढ़े तो 2000 तो लैके 5000 वसूल कर रहे हैं, तो ना सानू लोन की सुविधा दी जाती है। भी असी पुछना चाहते हैं पंजाब सरकार तो भी ऐसा कहना सी गुनाह किया वा जुलम किया वा भी जिदे करके कि सानू एड्डी बड़ी सज़ा दी जा रही है, ना कारपोरेशन को अपने को फंड है, ना ही सानू बाहरों लोन लेना दिता जाता वा, तो साडा जिहड़ा शोषण है समाज का जिहड़ा तकेशाही है वो कारपोरेशन दे विच बहुत ज़्यादा की जा रही है। लुधियाना से कैमरामैन गोडी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लुधियाना के गुड़मंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीती रविवार शाम भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजकों ने जानकारी दी कि 17 मार्च दिन रविवार को साय 6 से रात्रि 9 बजे तक दिव्य होली महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जो कि श्री मदन लाल शास्त्री जी की अगुवाई में किया जाएगा। चौड़ी छाती वीरों की जहाँ बोली शक्ले जहाँ गाते हैं रांझे जहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचती है तुम्हें बस्ती में ओ बहारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की जहाँ हंसता है सावन जहाँ हंसता है सावन बालों में खिलती है कलियां गालों में हर रविवार को यहाँ पे 7:30 से 9:30 बजे तक हरि नाम कथा संकीर्तन होता है और उसके बाद लंगर की व्यवस्था की जाती है और बड़ी धूमधाम से ये बहुत प्राचीन मंदिर है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लाइव 132 नंबर पे लाइव आता है। और अगले रविवार को यहाँ पे 17 तारीख को वृंदावन से परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री प्रीतमानंद जी महाराज वृंदावन से आएंगे और वो लठ होली लड्डू मार होली और फूल होली यहाँ पे देखने वाला नज़ारा होगा। हम सभी से जितने भी दर्शक घर बैठे ये देख रहे हैं प्रोग्राम सभी आए बहुत हर वर्ष की तरह यहाँ पे होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। सभी से निवेदन है कि आके आनंद लो। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम है यहाँ पे तालाब मंदिर प्राचीन जो गुरमंडी के पास स्थित है लुधियाना में। सभी आए, फूल होली वगैरह सभी यहाँ पर होगी, उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। अगले एतवार को इस तालाब मंदिर के अंदर
फूलों की होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बाहर से काफ़ी संत समाज जहाँ पर पहुँच रहे हैं, भंडारा साथ में किया जाएगा। सभी भक्तों को निवेदन है कि सभी लोग इस मंदिर में आएं, क्योंकि दिवाली जो है इस मंदिर की बहुत फेमस है, जहाँ पर होली बहुत ही फेमस है। माफ़ करना, अगले हफ्ते एतवार को 6 से लेकर 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद लंगर का इंतज़ाम किया गया है मंदिर की तरफ से। जितने भी भक्त मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं सभी को निवेदन करता हूं तलाब मंदिर कमेटी की तरफ से, आप सभी आओ और हम सभी मिलके फूलों की होली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के सिविल लाइन स्थित जैन स्थानक में महिला शाखा महावीर सेवा सोसाइटी की तरफ से सुश्रावक दानवीर श्री कीमतीलाल जैन जी के जन्मदिवस के एवं श्रीमती विनय जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती प्रवेश जैन परिवार वालों की तरफ से राशन वितरण किया गया। आज का राशन वितरण जो कि मार्च के महीने श्रीमती विनय जैन, स्वर्गीय श्रीमती विनय जैन की तरफ से हमने उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज का राशन वितरण किया है, जो कि 51 परिवारों को दिया गया है। श्रीमती विनय जैन जो कि पूर्व महिला अध्यक्षा भी रही हैं, ये एक बहुत सुश्राविका और गरीबों की हेल्प करने वाली थी। हम दोनों ने जब कॉन्फ्रेंस में काम किया तो हम दोनों इकट्ठे थे। इतनी अच्छी सोच विचार वाली महिला थी ये, तो आज उनके परिवार ने उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनको आगे की ओर बढ़ाते हुए आज का राशन वितरण उनके परिवार की तरफ से किया गया है। हम उनके परिवार की बड़ी बड़ी अनुमोदना करते हैं मेरी तरफ से और हमारी सोसाइटी की सब तरफ से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को ऋचा जैन चीफ सेक्रेटरी महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि हमारे हर महीने के पहले शनिवार को सिविल लाइन्स जैन स्थानक में राशन वितरण किया जाता है, आज उसी राशन वितरण की लड़ी में हमारे दानवीर सुश्रावक श्री कीमती लाल जी जैन, जिनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी धर्मपत्नी प्रवेश जैन, उनके सुपुत्र संजीव जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, उस परिवार की तरफ से यह राशन वितरण का लाभ लिया जा रहा है। यह परिवार हमें हर वर्ष मार्च के महीने में अपना सहयोग देते हैं। हम इस परिवार की जितनी भी अनुमोदना करें उतनी ही कम है। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के घंटाघर में आज शिव शक्ति सेवा सोसाइटी की तरफ से चौथा विशाल लंगर लगाया गया, जिसमें गरीबों को भरपेट खाना खिलाया गया। इस मौके पर भक्तों ने कहा कि उनका मानना है कि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। इस मौके पर समाज के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। अज महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य के विच चौथा लंगर जड़ा शिव शक्ति सेवा सोसाइटी वालों घंटाघर चौंक के विच लगाया गया, और बड़े ही उत्साह और धूमधाम के नाल इस लंगर के विच झूम के श्रद्धालु आए ने। और मैं देखा कि पिछले दिन जो शिवरात्रि निकली है तो इंज नज़ारा लग रहा है कि जिस तरह मणि महेश या अमरनाथ लुधियाना शहर के विच ही बन गया हो। बहुत ही धूमधाम श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि भी मनाई आ रहा, जो उस उपलक्ष्य के विच इस मार्केट एसोसिएशन ने इतने लंगर लगाया। लुधियाना से कैमरामैन विपिन के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर रहेंगे कुछ और नई धार्मिक व सामाजिक समाचारों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी श्री ज्योति महासाध्वी श्री सुधाजी महाराज ठाणे साथ साध्वी वृंद के सानिध्य में हैबोवाल जैन स्थानक में सुख साता पूर्वक विराजमान है। इस मौके पर अखंड जाप भी आयोजित किया गया।
ये आज हमारे ऐसे जैन सभा हैबोवाल का परम सौभाग्य कि हमारे यहाँ हैबोवाल में प्रवर्तनी जी महाराज साध्वी जी को आदर की चादर समर्पित की गई, और इसके साथ ही श्री महावीर जैन योग मंडल की तरफ से जो मासिक खंड जाप है उसका आयोजन किया गया। आज का खंड जाप का लाभ श्री महावीर जैन योग मंडल की तरफ से ही था। इसके बीच में हमारे यहाँ पर श्री राकेश जैन लक्की जी, जो कि ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस पंजाब प्रांत के प्रधान, और उनके साथी श्री जितेंद्र जैन रशम जी, मंदिर जी, दीपांशु जी, और खास करके हमारे मुंबई खार से आए हुए भाई श्री प्रकाश जी कोठारी, इन सभी का यहाँ पर आना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात थी। क्योंकि आदर की चादर जो पिछले साल 25 अप्रैल को गुन्नी जी महाराज को दी गई, उसी का एक स्वरूप यहाँ पर हैबोवाल स्थानक में किया गया, और महासाध्वी जी का आशीर्वाद हम सब ने लिया, और इसके साथ ही आप सभी का यहाँ पर आने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से कैमरन विपन के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा ई रिक्शा पर लगाए गए बैन के फैसले को लेकर लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है, और आज तीसरे दिन भी लोगों का रोष प्रदर्शन जारी रहा। आइए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलक। साड़ी प्रशासन अगे एक मंग सी कि जड़ा कि कपूर होस्पिटल के कोलो ई रिक्शा की एंट्री बंद की एंट्री खोली जाए, वो सानू बड़ी परेशानी आ रही है। हुण एक ई रिक्शा साइलेंट हुंदा वा, दूजा इहदा प्रदूषण कोई नहीं, तीजी जगह घट रोकदा वा, चार क सवारियां बहिंदियां वा। हुण असी प्रशासन तो यही मंग करदे आ वी सानू दसो वी साडा की कसूर आ, की असी ई रिक्शा पा के गलती कर लीती, असी ई रिक्शा बंद कर दिंदे, तुसीं नो एंट्री बंद कीती पुरानी सब्जी मंडी तो, असी कहिंदे असी पूरी नो एंट्री ही बंद कर दिंदे, पूरे शहर च असी ई रिक्शा नहीं चलाउंदे, सानू कोई होर रोजगार दे दो। लुधियाना से कैमरन विपन के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन राजपाल के किसानों ने प्रधान बलबीर सिंह राज्यपाल की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया, जहां राज्य प्रधान बलबीर सिंह राज्यपाल ने कहा कि किसानों की मांगों को मोदी सरकार ने एकदम से ही खत्म कर दिया है। लोगों के मुद्दों की गल की जा रही है, क्योंकि अज सरकार है जी खरीद के मसले से MSP मिथन के मसले से भज रही है। सानू लग रहा है भी सरकार खरीदन तो जाएगी, मंडिया के जोड़ा कारपोरेट घराणियों खुली छूट होएगी, सरकारी खरीद नहीं होएगी, और सानू लगता भी आ सिर्फ 2019 की इलैक्शन तक इन्होंने खरीद करनी है, उस तो बाद इन्होंने भजना है। सो असी अज एक वार्निंग के तौर पर इन्हों मतलब ये गल कह दे लिए आए हैं भाई खरीद है जी जल्दी तो जल्दी प्रबंध किए जाए, और किसी किस्म की दिक्कत है जी किसानों ना आए। जे कारपोरेट घराणे के हाथों से ये गल दी गई तो यह बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। ये ही दूसरिया मंगा ने जिस तरह फसल बीमा योजना इन्होंने लागू की सी, वो पंजाब दे विच तां नकार दित्ती सी पहले ही और किसानां दे विरोध कारण, पर यह है भी जिथे वो लागू की गई जिहड़ियां स्टेटां दे विच उत्थे वो किसान पक्षी नहीं सगों बीमा कंपनियां दे पक्षी हो के निबड़ी है। साडी मंग है भी ये जिहड़ी बीमा योजना है किसान पक्षी होवे। नाभा से रजेश बजाज की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी से आरंभ हुई शबद गुरु यात्रा सुबह गुरुद्वारा श्री सिंह साहिब मॉडल टाउन एक्सटेंशन से रवाना हुई। संगतों ने SGPC के पूर्व प्रधान जत्थेदार अवतार सिंह मक्कड़ और SGPC धर्म प्रचार कमेटी दुआबा जोन के संरक्षक एवं गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के प्रधान प्रीतपाल सिंह की अगुवाई में बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारे के साथ पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया। Thank you.
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 12 ਮਹੱਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ लुधियाना से अभिषेक बहल की रिपोर्ट। बचपन प्री स्कूल द्वारा जसमीत सिंह इंस्टीट्यूट में एनुअल डे और ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के स्टूडेंट्स ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। नर्सरी के बच्चों द्वारा दी गई पंजाबी डांस परफॉर्मेंस काफ़ी मनमोहनीय थी। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। इस मौके पर बच्चों की मदद ने भी मेडले पर परफॉर्मेंस दी। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रेजुएशन सेरेमनी के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। Sandhu sir, you kindly come on stage. Ma'am, wait. Yes sir, please. बचपन प्ले स्कूल विकास नगर की जड़ी ब्रांच है उस ब्रांच में हमने 2 साल से बच्चों को लेके 4 साल तक के बच्चों को नरिशमेंट देते हैं और उनको टेक्नोलॉजी के साथ हम एजुकेशन देते हैं। सेकेंडली जो हमारी आइटम्स थी एक फादर एक्ट बच्चों ने पेश की जिसमें उसमें हमने दिखाया कि भी कैसे जब छोटे बच्चे होते हैं पेरेंट्स उनको प्यार से पालते हैं संस्कार देते हैं और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को सोचते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं हम उनसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं। और फिर उस एक्ट में हमने दिखाया कि भी कैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट करते हैं और फिर बाद में जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं और जब वो अपने बच्चों से वो चीज़ को फेस करते हैं तो उनको वो समझ में आती है कि भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लुधियाना से अभिषेक बहल की रिपोर्ट। लुधियाना रेगल फिटनेस स्टूडियो में मुख्य रूप से पहुंचे गायक दलेर मेहंदी के भाई जोगिंदर मेहंदी और अमन गहिर जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक अहम मुकाम हासिल किया है। रेगल फिटनेस स्टूडियो के डायरेक्टर अमरजोत सिंह ने मीडिया से बात की और बताया कि इन सभी गायकों का यहां आना एक इत्तेफाक नहीं है बल्कि लुधियाना में होने जा रहा है एक सुरसगम का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें यह सभी गायक उन शख्सियत को सम्मानित करेंगे जिन्होंने खुद को भुला के दूसरों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है। बागे विच मोर होवे हाय तेरे पीछे क्यों फिरिए जे कोई तेरे जिया होर होवे उमरा दिसां छोए जा तेरे नाल बस मैनू ए नाहे प्यार तेरे नाल ਉਮਰਾਂ ਦਿਸਾਂ ਛੋਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਜ ਅ ਸਿੰਗਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਮਰਜੋਤ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਪ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋਤ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
लुधियाना से बलवीर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के मॉडल टाउन शास्त्री नगर में आज वाइब 2 डांस अकेडमी खोली गई और इस डांस अकेडमी में हर वर्ग के बच्चे भी आ सकते हैं और इस अकेडमी में लॉ की भी शिक्षा प्राप्त की जाएगी। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि डांस के साथ साथ अपनी सेहत प्रति भी खास ध्यान रखा जाएगा। आज हमने यहाँ पे डांस एंड फिटनेस क्लासेस का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है जिसका नाम है वाइब्स डांस एंड फिटनेस क्लासेस, जिसमें हमने बच्चों के क्लासेस गर्ल्स लेडीज सबके अलग अलग बैचेस में अलग अलग हम डांस की जो बैचेस है वो चलाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर स्कॉलर नाम का हमने एक इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे आज ओपनिंग सेरेमनी हमने की रखी है, जिसमें लॉ क्लासेस सेमेस्टर क्लास क्लैट की तैयारी के साथ हम जो बच्चों की स्कूल क्लासेस की जो ट्यूशन कोचिंग सेंटर होते हैं वो कोचिंग भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये हमारा एक न्यू स्टार्ट है। तो आई वांट के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छा से अच्छा रिस्पांस मिले एंड इसके बाद हम इससे भी ज़्यादा और करने की कोशिश करेंगे। इट्स डांस एकेडमी और फ्यूचर स्कॉलर्स ने अज इत्थे ओपनिंग की हैगी है ते बतौर मैनू इत्थे इनवाइट किया गया हैगा और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिता हैगा जिदे विच बच्चियां नू एक्सरसाइज एज वैल एज उन्हां नू एक्सपीरियंस गेन होएगा रिगार्डिंग उन्हां नू डांस क्लासिक्स का और फिटनेस का और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं सारियां नू कहूँगा कि इनू ज्वाइन करना चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं अभिनंदन कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ और धार्मिक व सामाजिक समाचारों के साथ। आप यूं ही देखते रहिए और बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।